आतिफ निजामी ने शहर में किया जनसंपर्क। केंद्र और राज्य सरकार की गिनाई उपलब्धियां। विपक्ष पर जमकर बरसे भाजपा जिलाध्यक्ष। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने आज शहर के कई मोहल्लों में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए लोगों को कोविड 19 के प्रति जागरूक किया और सैनिटाइजर का वितरण कर उन्हें महामारी से बचने के लिए सावधानी बरतने को कहा। इस बीच नौनिहालों से भी एहतियात बरतने को कहा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने मुस्लिमों को गुमराह कर वोट बैंक हथियाने वाले विपक्ष दलों से सावधान रहने की लोगों से अपील की। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष आतिफ निजामी ने आज शहर के आरिफपुर नवादा नई बस्ती के सैकड़ों परिवारों से जनसंपर्क कर केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। 20 दिवसीय भाजपा परिवार संकल्प जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से घर घर संपर्क कर प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल की एक साल की उपलब्धियां व केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को मोदी पत्र देकर अवगत कराया। इसी के साथ कोविड 19 के लिए जागरूक कर मास्क व सैनिटाइजर वितरण भी किया। आतिफ निजामी ने कहा कि मुस्लिम समाज को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने वाले दलों को 2022 में मुस्लिम समाज एकजुट होकर भाजपा को वोट करे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। निकले तो तीन लोगों छपड़ा मुंह को लपेट कर निकले, मास्क लगा के निकले और उसकी बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोगों को सुरक्षित रहने की ज़रूरत है इस कोरोना वायरस से। अच्छा, इसके साथ माननीय मोदी जी का एक पत्र भी है हमारे पास, एक खत है जो उन्होंने जनता के लिए हम कार्यकर्ताओं द्वारा मास्क लगवाने की बात करी है। उसमें जो दूसरा कार्यकाल चल रहा है कि उसके एक साल पूरा हो गया, उसमें उन्होंने क्या जनता के लिए किया, क्या समाज के लिए किया, क्या उन्होंने देश हित के लिए क्या फैसले लिए, वो सारी चीज़ों की उपलब्धियाँ उन्होंने पत्र में लिखकर भेजी है। योजनाएं क्या चल रही है, क्या चलाई हैं उन्होंने, वो भी लिखी हुई है। तो मैं चाहता हूँ या फिर पढ़ेंगे मुझे और लोगों को इस बारे में बताइए। अच्छा, आप पढ़िएगा थोड़ा आराम से बैठकर ना, तो आपकी समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या समाज के लिए किया है। कोई जाति और धर्म की भेदभाव की बात नहीं करती। अगर हम मुस्लिम समाज के लोग हैं तो मुसलमानों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। तमाम ऐसी योजनाएँ चलाई बिना भेदभाव बिना धर्म के, जैसा प्रधानमंत्री आवास भी मुसलमानों को मिले, गैस के सिलेंडर भी मिले, आपके बिजली का मीटर मिला, स्वास्थ्य कार्ड मिला, किसान सम्मान निधि मिली, बेटियों के लिए शादी के लिए अनुदान मिला, तमाम ऐसी मदरसों के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए। कंप्यूटराइज मदरसों की बात करी उन्होंने, कंप्यूटराइज मदरसे किए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ हमारे सामने आई हैं जो हमारी और सरकारों ने हमारे लिए नहीं की। आज भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे लिए करती है तो हमें उसे वोट भी देना चाहिए, उसकी सपोर्ट भी करना चाहिए और उसके बारे में लोगों को बताना भी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि 2022 जब आएगी तो हम इंशाल्लाह ताला भारतीय जनता पार्टी को मजबूत भी करेंगे और वोट भी देंगे। भाई जो हमारे लिए कर रहा है तो हम उसे करेंगे, बाकी समाजवादी बसपा कांग्रेस ले लो, करा तो कुछ नहीं है 60 साल में हमारे लिए। 3 महीने तो राशन भी फ्री मिल गया है। देख लिया कोरोना वायरस जितने भी कोरोना के जो भी चला कोरोना का, उसमें सभी लोग अपने घरों के अंदर रहे तो ये भी देखते हुए कि लोग वहाँ से क्या करेंगे। उसके लिए तमाम गरीबों तक उन्होंने 3-3, 4-5 महीने तक का राशन उन्होंने फ्री पर उन्होंने काम करा। जो लोग बाहर थे उन्हें घुमाने के लिए बसें और ट्रेनों का इंतजाम करा। तो सारी की भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं चाहूँगा कि आप भी लोगों को जागरूक करें।